नुमाइश में बैनुल अक्वामी शोहरत याफ्ता मुसफ़िर सईद अख्तर, नेशनल कॉलेज ऑफ द आर्ट्स के सीनियर प्रोफेसर बशीर अहमद, मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन और प्रोफेसर गुलाम मुस्तफ़ा समेत आर्ट के दिलदादा खवातीनों हजरात ने कसीर तादाद में शिरकत की। शुरका ने नुमाइश में रखे गए इस्लामी नक्शो नगार पर मबनी क्राफ्ट में दिलचस्पी लेते हुए कहा कि हमें अपनी तारीख और रवायात को नहीं भूलना चाहिए। एक ऐसा है फन है जो कि बहुत ही कम लोगों में रह गया, और उसको जिंदा करना और वापस इस तरह नुमाइश में। सबसे बड़ी बात यह है कि ये फौजिया जो है ये डिज़ाइनर है। इट्स अ टोटली डिफरेंट क्लास ऑल टुगेदर, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम किया है इन्होंने। जहाँ से भी जो पैटर्न्स हैं मशहूर, उन्होंने इसको एक्सप्लोर करके उसको नई जिद्दत दे के उसको एक फॉर्म में लेके आई हैं। फर्नीचर डिजाइनर फौजिया अजीम का कहना था कि हमें अपनी सकाफत को जिंदा रखना है और लोगों को बैरून ममालिक जाकर तारीखी क्राफ्ट खरीदने की बजाय अपने मुल्क से ही खरीदारी करनी चाहिए। वो लोग जो अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, दुबई, मोरक्को जाके चीज़ें खरीद कर लेकर आते हैं, वो अपने घरों को अपने मुल्क की चीज़ें अपने आर्टिजन की चीज़ों से सजाएं। रिवाइवर्स आर्ट गैलरी की कॉरिटर का कहना था कि वो ऐसी नुमाइशों का इनका मुख्तलिफ आर्ट्स को जिंदा रखने के लिए करती हैं। जिस चीज़ में हम एक ज़माने में बहुत पॉपुलर थे और बहुत अच्छे थे, उस चीज़ को रिवाइव करने के लिए एग्जीबिशन क्यूरेट किया है। इसमें पर्शियन, टर्किश, मुगल आर्ट है। नुमाइश में लकड़ी से तैयार करदा मुख्तलिफ नक्शो निगार के 20 से ज़ायद फन पारे रखे गए हैं। मुस्लिम तहजीब व तमद्दुन के इन शाहकार फन पारों को देख कर लाहौरियों ने ये बात साबित कर दी कि वो अपनी तारीखी रवायात को नहीं भूलते। ज़रूरत इस अमर की है कि इस आर्ट को हकूमती सरपरस्ती में लिया जाए। कैमरामैन काशिफ बेग के हमरा ज़ैन मदनी हुसैनी, सिटी 42।